डीटीपी के अंतर्गत यूनिट फोर्थ जो है वो है एडोब फोटोशॉप की। एडोब फोटोशॉप के अंतर्गत अब यहाँ पर पूरा फोटो से रिलेटेड आपको पढ़ना है और मुख्य इसमें जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एडोब फोटोशॉप में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, क्या होता है। फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसे एडोब कंपनी ने बनाया है। फोटोशॉप 1988 में थॉमस और जॉन नॉल द्वारा बनाया गया था। फोटोशॉप में स्कैन की गई इमेज डिजिटल कैमरे द्वारा ली गई फोटो, इंटरनेट द्वारा डाउनलोड की गई फोटो आदि का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न टूल होते हैं जिसकी सहायता से आप इस सॉफ्टवेयर में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। फोटोशॉप के द्वारा पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को इफेक्ट डाल सकते हैं तथा नई डिजाइन बना सकते हैं। आजकल इस सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्यतः फोटो बनाने, एल्बम बनाने, फ्लैक्स बनाने, पोस्टर बनाने, बुक कवर बनाने आदि में किया जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो फोटोशॉप में बनी फाइलों को आसानी से वेब पेज में डाला जा सकता है। फोटोशॉप के कार्य को अंडू ऑप्शन के द्वारा हटाया भी जा सकता है। इसमें हिस्ट्री पैलेट की सुविधा दी गई है जिससे पुरानी कार्य की सूची को देखा जा सकता है। फोटोशॉप में इमेज को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे टूल दिए जाते हैं। फोटोशॉप में वांछित रंगों को सुधारने या बदलने के कार्य फोटोशॉप में बहुत तेजी से होता है। इसमें बहुत इफेक्टिव टूल होते हैं जिसकी मदद से फोटो को अलग अलग इफेक्ट दिए जा सकते हैं। फोटोशॉप के द्वारा किसी भी इमेज के आकार को आसानी से बदला जा सकता है। इसमें इमेज पर आसानी से कार्य करने के लिए लेयर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फोटोशॉप के द्वारा बनाई गई इमेज को अलग अलग इमेज एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोटोशॉप का जो अगला प्रश्न है वो है विभिन्न ग्राफिक फाइल और एक्सटेंशन को समझाइए, जो कि इसके 9वें पॉइंट से ही मिलता जुलता है। अब यहाँ पर कौन कौन से मुख्य एक्सटेंशन होते हैं, ग्राफिक फाइल होती है, इनके नाम विशेष तौर पर याद कर लीजिएगा। GIF फाइल होती, ग्राफिकल इमेज फाइल, ठीक, IMG फाइल फॉर्मेट, TIFF ये होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, EPS होती है इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, WPS फाइल WPG फाइल फॉर्मेट होता है, JPEG होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, BMP होता है बिटमैप फाइल फॉर्मेट और PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये नाम याद रखिएगा और इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसका क्या उपयोग होता है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये फाइलें आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी कि इसका क्या क्या उपयोग होता है। मुख्य यहाँ पर एक और आता प्रश्न, वो है वेक्टर इमेज रास्टर इमेज, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। आप यहाँ पर दोनों में अंतर देख पाओगे, वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज में, इस इमेज के माध्यम से अंतर आपको समझ में आएगा। रास्टर इमेज जो होती है, रास्टर इमेज पिक्सल से मिलकर बनती है। अब चूंकि ये पिक्सल छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है, इस कारण से जब इसको जूम किया जाता है तो इसके पिक्सल फट जाते हैं, मतलब आपको अलग से धुंधला धुंधला दिखाई देता है। लेकिन जो वेक्टर इमेज होती है वो वेक्टर इमेज कर्व से, लाइन से मिलकर बनती है, कारण से इसको आप जितना भी जूम कर लो ये इसके पिक्सल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये पिक्सल से नहीं बनती, ये कर्व और लाइन से मिलकर बनती है। इस कारण से वेक्टर इमेज की क्वालिटी हमेशा बहुत अच्छी होती है। वेक्टर इमेज के उदाहरण में ईपीएस, ईएमएफ, पीडीएफ, क्लिप आर्ट आदि, ये सभी किसके हैं, वेक्टर इमेज के उदाहरण है, ठीक है। चलो अगला, वेक्टर और रास्टर की गुण की बात करें। वेक्टर में इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में दर्शाया जाता है, इसका आकार में मापा जा सकता है, यह रेजोल्यूशन पर निर्भर नहीं करता और इसे लोगों और टेक्स्ट में प्रयोग होता है। रास्टर की बात करें तो इसे पिक्सल के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे मापा जा सकता है, यह रेजोल्यूशन पर निर्भर करता है और इसे फोटो में प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य इसको आप याद कर लीजिएगा, वेक्टर और रास्टर में जरूर देख के जाइएगा, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। मोड्स और मॉडल्स, कलर मोड्स और मॉडल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलर मोड्स और मॉडल्स क्या होते हैं? कलर मॉडल प्राइमरी रंगों के एक छोटे छोटे से सेट में से रंगों की एक पूरी रेंज तैयार करने का क्रमबद्ध सिस्टम होता है। कलर मॉडल्स दो तरह के होते हैं, एक वह जो एडिटिव कलर होते हैं, दूसरे वह जो सब्सट्रैक्शन कलर होते हैं। एडिटिव कलर मॉडल्स लाइट का प्रयोग करके रंगों को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, जबकि सब्सट्रैक्शन मॉडल में प्रिंटिंग करने के लिए करते हैं। एडिटिव कलर मॉडल में जो कलर महसूस किए जाते हैं वह ट्रांसमिट की गई लाइट का परिणाम होता है, जबकि सब्सट्रैक्शन मॉडल में दिखने वाले कलर रिप्लेस्ड लाइट के परिणाम होते हैं। अब इनके नीचे की तरफ जाएंगे तो इनके आपको टाइप मिल जाएंगे, कितने प्रकार के ये होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर मॉडल्स। एक होता है CMYK मॉडल, CMYK मतलब सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक कलर मॉडल, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में कम प्रयोग किया जाता है। यह मॉडल डेस्कटॉप पब्लिशिंग की प्रिंटिंग डिवाइस में ज़्यादा उपयोग होता है, किसी भी प्रिंटर में आप जाके देखोगे, प्रिंटर में आपको CMYK मॉडल जरूर मिलेगा। इसके अलावा दूसरा दिया गया है क्रोमेटिसिटी मॉडल, क्रोमेटिसिटी मॉडल कलर वैल्यूज को फ्रिक्वेंसी, सेचुरेशन एवं ल्यूमिनेंस के रूप में दर्शाता है। ये 3D डायमेंशन मॉडल है जिसमें 2 डायमेंशन एक्स और वाई रंगों का परिभाषित करते हैं और तीसरा डायमेंशन ल्यूमिनेंस को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा HSB और HSL, ये आपने सुना होगा,
ह्यू करके एक ऑप्शन आता है जो आप किसी भी फोटोशॉप या पेज मेकर में आप इसका इस्तेमाल करते हो। आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी अगर कोई फोटो एडिट करते हो, ह्यू सैचुरेशन ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें उसकी लाइट की फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। ह्यू हो गया, ब्राइटनेस हो गया, सैचुरेशन हो गया, इसका उपयोग होता है। तो ये भी कलर मॉडल के अंतर्गत आते हैं। आरजीबी मॉडल होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो मुख्य रूप से ये चार चीज़ें आपको कलर मोड और मॉडल के अंतर्गत आती है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रेजोल्यूशन को समझाइए, रेजोल्यूशन क्या होते हैं, इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले पिक्सल की संख्या को उसका रेजोल्यूशन कहा जाता है। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी तैयार किया था रेजोल्यूशन के बारे में, जिसमें आपको मॉनिटर से संबंधित सवाल आते, वहाँ पर भी बताया गया था रेजोल्यूशन क्या होते हैं। जैसे मान लो ये इमेज है, ये अपना पूरा एक स्क्रीन है, स्क्रीन में इकाई क्षेत्रफल में जितने भी पिक्सल उपस्थित होंगे उस पिक्सल की संख्या पे डिपेंड करता है उसका रेजोल्यूशन। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होगी, जितने कम पिक्सल होंगे उतनी कम क्वालिटी जो है पिक्चर की होती है, ठीक है। इसी कारण से आज के समय में जब कोई मोबाइल खरीदता है तो उसके पिक्सल देखे जाते हैं कितने हाई रेजोल्यूशन के पिक्सल हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी अच्छी इमेज क्वालिटी आती है, ठीक है। फोटोशॉप में नई इमेज कैसे बनाते हैं, आप फोटोशॉप में नई इमेज बनाने के लिए फिर वही ऑप्शन सारे आएंगे, फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, एक आपको ब्लैंक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स मिलेगा, डायलॉग बॉक्स को ओपन कीजिए, वहाँ पर जो जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से उसको सेट कीजिए। लाइक हमने ये फोटोशॉप ओपन किया, फोटोशॉप ओपन करने का देख नई फाइल कैसे बनाई जाती है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फोटोशॉप ओपन करने के बाद फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पर फाइल का नाम दे दीजिए, प्रीसेट साइज़ दी गई है, जो भी साइज़ आप लेना चाहते हैं साइज़ आप ले लीजिए, विड्थ हाइट, इसका रेजोल्यूशन दिया गया है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे पेज आपके सामने आ जाएगा। जो भी इमेज आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं उस इमेज को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इमेज लगाने के बाद यहाँ पर हमने इमेज को लगा दिया, इमेज लगाने के बाद इसको फाइल में जाइए, सेव ऑप्शन पे जाइए, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं अलग अलग फॉर्मेट के साथ, आप जेपीजी में करना चाहते हैं अलग फॉर्मेट में, जिसमें भी करना चाहें आप उसको उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका उपयोग करके नए पेज को कैसे ऐड करते हैं ये अपन ने देखा, स्टेप बाय स्टेप सारे जो ऑप्शन अपन ने देखे स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देना है, ठीक है। आप इमेज से संबंधित ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, इमेज साइज, इमेज को किस प्रकार से आप उसमें कैनवास को चेंज कर सकते हैं, सारे साइज जो है ऑप्शन इमेज से रिलेटेड आते हैं। इसके अलावा जो मुख्य प्रश्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट फोर्थ में मुख्य प्रश्न के रूप में आपको वेक्टर रास्टर इमेज को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ग्राफिक में फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। कलर मोड्स और मॉडल्स के बारे में इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तीन प्रश्न ये बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके अलावा एडोब फोटोशॉप के बारे में जो बेसिक है, क्या होता है एडोब फोटोशॉप, किस प्रकार से एक नए डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, ये क्वेश्चन तैयार करके जाएं। तो यूनिट फोर्थ से जो फोटोशॉप के बिल्कुल स्टार्टिंग है, जिसमें मुख्य रूप से ये तीन चार क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। अब फोटोशॉप के अंतर्गत कैसे काम होना है, लेयर, फिल्टर, टूल्स, ये जो तीन चीज़ें मुख्य रूप से वो आती है यूनिट फिफ्थ में, जिसकी बात करते हैं अगले वीडियो में।